उद्यान भ्रमण रे जिबा जंगल को शिकार करिबा पई जिबा ए सब होचे राज परिवार रो गोटे गोटे अंश विशेष। राजकुमारी चंद्रिका किंतु हाथ रे धनु तीर धरी केबे भी जंगल को जाय नाहंती शिकार करिबा पई, कारण सीए जंगल रो पशुपक्षी मानंकु बहुत भल पांती। समय असमय रे जंगल भ्रमण रे आसी सीए सेमानंकु देखि खूब मजा नियंती। बणीर कहिबा अनुसार सेदिन राजकुमारी चंद्रिका तांकर सखी सहचरी मानंकु सांगरे धरी रथरे बसी आसी पहुंची गले जंगल रे। ढेर समय जाए से जंगल रे बुली बुली खूब मजा कले। सखी सहचरी मानंकर सहित मिसी नाच गीत मध्य कले। तापर जेतेबेले सूर्य मुंड उपरकु उठिले राजकुमारी जल क्रीडा पई जंगल भीतर थिबा पुष्करिणी को गले। पोखरी कूल रे लुगापटा रखिदेई सखी मानंकर सहित मिसी जल क्रीड़ा आरंभ करदेले। सी रांगा तो बणी पाखे सब बाबदे आगुआ सूचना पाई तेणु सीए जा गछ आढ़ुआल रही लुचि लुचि सबू देखु थाए। राजकुमारी चंद्रिका पानी रे पशि जेमती जल क्रीड़ा आरंभ कले चाहू चाहू पानी रे फुटिगला असंख्य स्वर्ण कमल। पद्म फुलर महमह बासन जंगल परिवेश पूरा पूरी कंपी उठिला। सुनार राजहंस मैंने सब उड़ी पानी रे भासिबा को लागिले। रांगा तो ए सब दृश्य बहु आगुरु देखिथिला तेणु एबे मध्य ए सब दृश्य देखि ताको आहुरी आनंद लागिला। मने मने गर्वरे छाती फुली उठिला तार भाविला जा हौ एमति जने सुंदरी आ गुणवती राजकुमारी मोर स्त्री हेबे, किंतु सीए तो माकड़ प्रकृति तो ओलटा ता संग को पुणी फाड़ा आ लफंगा माकड़ सीए, तेणु हठात ता मुंडुकु गोटे दुर्बुद्धि ढुकिला। भाविला एठि एमती गोटाए खेल करिबा जोति पई राजकुमारी मते सबुदिन पई मन रखिबे। तेणु सीए कौन कला डियांटे मारी जाई पहुँचला जंगल भितर जोठी अन्य सब माकड़ माने डियांडी करुथिले। सेमानंकु सांगरे धरि रांगा पुणी आसी पहुँचला सेई पोखरी कूल रे। सेमानंक कान पाखरे रांगा चुप चुप करी कहिला राजकुमारी एबे जल क्रीड़ा रे व्यस्त अछन्ति, तेणु तमे माने एबे धीरे धीरे जाओ। राजकुमारी आउ तांकर सखी सहचरी माने पोखरी कूल रे जो लुगापटा रखिछन्ति ताकू नै गछ उपरे रखि दियो। रांगा पाखरु ए सब कथा सुनिबा पोरे माकड़ माने सांगे सांगे कामरे लागिगले। रांगा कौन कला पूरा भद्र लोकंक भली लुचि लुचि ए सब दृश्य बसिक देखिला। एपटे गाधुआ सरिबा पोरे राजकुमारी चंद्रिका जेतेबेले कूल को चाहिले देखिले कूल रे तांकर आउ लुगापटा नाही। कौन करिवे ऊपर को चाहिले तो देखिले गछ डाल रे सबुजाक लुगापटा टंगा हैछि आउ सेठी जंगली मांकड़ माने सबु डियांडे करुछन्ति। एबे कूल को आसिबे केमती राजकुमारी बहुत पाटी कले सीए बहुत काकुती मिनती माकड़ मानक कहले लुगापटा फेरे देवा पई। हेले सेमाने राजकुमारी कथा को टिके हेले भी शुणिले सखी चंचल हाथ बढ़े माकड़ मानक घोड़ेबाक चेष्टा करिवरु ओल्टी माकड़ माने खिंकारी गोड़ेले। रांगा को ए सब दृश्य देखा भारी मजा लगुथाए। राजकुमारी विकल पणिया देखि मने मने दांत चिपि चिपि हसुथाए रांगा। शेषकु राजकुमारी आउ सही पारिलेनि केते समय आउ पानी भितर एमिति विवस्त्र रही ठिया हेबे सीए। जदि केही पुरुष लोक सेठिके आसी जांती ताले राजकुमारी को देखि कौन भाबिबे सेमाने। एया भाबी राजकुमारी कांदि पकेले। राजकुमारी कांद देखि रांगा आउ सही पारिलानि तत्क्षणात डियां मारी सीए जाई पहुँचिगला गछर डाळरे। सेठि माकड़ माने राजकुमारी लुगा को जगिकी बसी थांती। रांगा तो आगुरु सेमानंकु कहिकी रखि थाए तेणु एबे खाली मिछि मिछिका सीए सेमानंक सहित मारपीट करिवार बहाना कला। जंगली माकड़ माने रांगा को छाड़ु न थांती अंटाक पानी रे ठिया हई सेमति राजकुमारी दृश्य को देखु थांती। रांगा शेषे सबु माकड़ मानंकु बाड़े बाड़े घोड़े देला। तापर राजकुमारी लुगापटा सबू डाळरु आनी तले रखिदे डियां मारी सेठु चलीगला सीए। राजकुमारी मने मने भाविले जा हौ एते बेलकु जाई भगवान मो डाक शुणिले। एया भावी सखी मानंक सहित कूल को आसी लुगापटा पिंधिले। टिके दूर रे थाई रांगा माकड़ मानंकु कहिला जा हौ आज बढ़िया मजा आसिला
मो कहिबा अनुसार तुम मैंने बहुत बढ़िया अभिनय कल। माकड़ मैंने कहले बुझिलु रांगा, आमे हेलु माकड़। आम मानकर बाहागर जंगल माकड़ी मान सहित हुए, किंतु तू आमरी भली गोटे माकड़ है, मनीष तो मनीष, पुणी राजकुमारी सहित प्रेम करुचु, एटा आम माकड़ समाज पर गोटे बहुत बड़ गर्वर कथा। तेणु एति कौन आम माकड़ समाज टेक रखापी दरकार पड़े आमे तो लगी जीवन देदेबू। राजकुमारी सखी मैंने कूल को आसी लुगापटा पिंधि सारे राजकुमारी चंद्रिका कहले बहुत समय डेरी होगला, सेपटे बापा आमपाई खूब व्यस्त होते, तेणु चल आमे खूब शीघ्र नर को फेरी जावा। एया कही राजकुमारी रथ आड़ को जीवा बाहर बेलू हठात तांक आड़ विराट बड़ पार्टी मेले आसी पहुँचीगला अजगर। एपटे कुहक राजकुमारी सोना मंत्री पुओ को बाहरी सारा राज्य सारा भोजी भात खूब धूमधाम आसर जन्मिला, समस्ते भारी खुशी हेले। सोना सौराष्ट्र देशर राजकुमार को अनुरोध कला कुहक राज्य किछि दिन अतिथि रही, मात्र सौराष्ट्र देशर राजा पुओ मना कला, कहिला मोर एकमात्र लक्ष्य होची बार हाथ लंबर बाळ थिबा राजकुमारी, तांकु खोजिकी न पाइबा पर्यंत मो जीवन रे विश्राम नहीं। तमें दिजन बाहा हो गल, मो काम सरला, मुबे यही मुहूर्त बाहर ताकु खोजापी। तो मंत्री पुओ कहला संगात मु तुमको सेठिकी एकुटिया जीवाकु देबिनी, मु भी तुम सांगरे जीवि। तहु वीरेन्द्र कुमार और बेंगवती कन्या मध्य कहले आमे मध्य तुम सांगरे जीवु। सोना कहला मु भी जीवि, मात्र सौराष्ट्र देशर राजा पुओ से समस्त को मना कला। वीरेन्द्र कुमार और बेंगवती कन्या को कहला तुम्हें दुहे मोपाई ढेर कष्ट सही सारे, तेणु तुम्हें दुहे एवं निज राज्य को फेरी जाई सुखरे संसार कर। से माने राजा पुओ कथा मानि निज राज्य को फेरी गले। राजा पुओ सोना को कहला तुम्हें कुहक राज्य थी शासन कर, संगात और मु आमे दी जन जाक जाऊ। मंत्री पुओ सोना को कहला जदि बार हाथ लंबर बाळ थिबा राजकुमारी सहित मु संगातंकर बाहागर करै पारिली, ताहले जाय तांकु सांगरे धरी आमे पुणी तम पाखकु फेरिबू, नहले भाबिबो जे आमे आउ जीवन रे नाहू। तहु सोना कहला से राजकुमारी बाबदरे मु जाने, से मुक्तापुरी राज्यर राजकुमारी, ता ना चंद्रिका, तमे दुहे घोडारे बसी एठारु दक्षिण दिगकु जाओ, अनेक बाट जीवा परे खूब शीघ्र तमे जाइ मुक्तापुरी राज्य रे पहुँचिबो। तहु सोना पाखरु विदाय नै सौराष्ट्र देशर राजा पुआ आउ मंत्री पुआ चलिले सेठु दक्षिण दिगकु। एणे एते बड़ अजगर साप को देखि विकल रे छानिया हे चित्कार कले राजकुमारी, तांको सखी दि जण जक भय रे राजकुमारी को छाड़ी दे जाकिरी गछ पछपटे लुचिले। खूब जोरे अटहास्य कर हसी उठिला अजगर, कहला राजकुमारी चंद्रिका चिन्ही पार मते, मुझे तुम बापा से सेनापति वज्रबाहु विक्रम सेन, जहाँ को तुम बापा पांच वर्ष तले निज हाथ में हत्या कर देते। सेनापति वज्रबाहु विक्रम सेन ना शुणी राजकुमारी चंद्रिका मुहटा घृणारे पूरी उठिला, मन पड़गला से पांच वर्ष तलर अतीतर स्मृति। सेते बेलू राजकुमारी चंद्रिका पाखरु बाल्य चपलता पूरापूरी छाड़ी न थाए, नुआ नुआ किशोरी अवस्था रे पाद दे थांती सी। सेनापति वज्रबाहु चिंता कला चंद्रिका को छाड़ी देले राजांकर तो कौन सी पुओपाती नहांती आउ, तेणु यही सुजोग रे मु जदि राजकुमारी चंद्रिका को बाहाई जीवि ताहले राजा को हत्या करी मुक्तापुरी रो राजा हेबी मु। एया भाभी राजकुमारी चंद्रिका दिने बगीचारे एका बुलुला बेले जोर जबरदस्त निजर करने को चेष्टा कला सीए, किंतु महाराज गुप्तचर मान पाखु वज्रबाहुर षड़ बाबद सूचना पाई सारी, तेणु बगीचारू राजकुमारी चित्कार शुणा मात्रे सांगे सांगे सैन्य सामंत धरी सीए निजे जा वज्रबाहुर बेक को खंडार हाणीदे। ठो ठो हसी उठिला अजगर, कहला
मन पकेदला 5 वर्ष तलर से अतीतर स्मृति को तो तुम बापा हाथ में मरवा पर आज पर्यंत प्रतिशोधर निरे जलुची मु भाग्य को भगवान भी मत साप कूल जन्म दे तेणु सेबे एठी रही आज पर्यंत सुजोग अपेक्षार थी मु आज जेतेबले से सुजोग मत मिली मु तुमको यही मुहूर्त गोटा खाई मो मृत्युर प्रतिशोध नेबी एया कही विराट बड़ आकरी माड़ी आसला अजगर राजकुमारी गिलीवापाई अजगर आ राजकुमारी चंद्रिकांकर कथाबार्ता टिके दूर से माकड़ मान सहित एकाठी बसि लुचि लुचि शुणु था रांगा अन्य माकड़ मैंने एमती गोटे एत बड़ साप को तांको जीवन में केबे भी देखि नथिले किंतु रांगा तो अतीत मणिनाग सर्प को निज हाथ में मारी देकि आसी तेणु माकड़ मान सहित मिसी रांगा केमती साप को मार आखिर राजकुमारी चंद्रिका को केमी उधार कर मने मने भावुए रांगा मने मने भाविला ठीक समय मो पाखे जदि से मणिटा था ताहले एत बेलू साप मत बल था मणिर प्रभाव में मु साप को आराम मारिदे पारि था कि मणि तो ये गोरडे आ राजकुमारी को एठी एकुटिया छाड़ीदे मणि आणवाई जंगल भितर को जीवा के संभव नुहे पाखे मनपवन डंगाटा हेले था कि राजकुमारी को बसई साईकना साप पाखु कौन गोटे सुरक्षित जगह को नहीं जाता सीए कि ना अन्य माकड़ मैंने साप को देखी भयर जाकि जुक बसी बेले रांगा किंतु अजगर को मारवाई मने मन उपाय खोजी चली थाए जेतेबेले अजगर विराट बड़ आकरी राजकुमारी को गिणवाई आड़ माड़ी आसला आउ कौन उपाय नपाई रांगा खप किना डे पड़ा राजकुमारी मुंड उपरको एमती गोटाए माकड़ राजकुमारी डे पड़े बोली से आदम प्रस्तुत नथिले तेणु से भारसाम्य हर तले पड़गले आउ अजगर राजकुमारी गिणी नपरी तांकु पारी चलीगला सेपट को पारी जाए अजगर देखला गोटे माकड़ जो राजकुमारी बंचीगले तेणु से पुणी थे पार्टी मेले राजकुमारी गिणवाई आसला तो रांगा खप किना राजकुमारी धरी चारि गड़ा दे गड़ी गड़ी जाए अलग जगह पड़ा अजगर राजकुमारी गिणवाई जिते थर चेष्टा करूथाए माकड़ बुद्धि प्रयोग करते थर राजकुमारी बचाई दौथाए तेणु एथर खूब जोर रागिगला अजगर सु सु बड़ जोर निश्वास छाड़ा आरंभ कला सी तार सबुजाक राग आसी रहा रांगा उपरे एपटे रांगा राजकुमारी कहला राजकुमारी तुम्हें आदम भय करनी मुझे तुमको जमीती हेले भी ए अजगर पाखर निश्चय उद्धार करी या कही रांगा खप किना डे पड़ा अजगर सामना को अजगर मने मने भाविला एड़िकी बकटे माकड़ तार पुणी एत साहस सी मो सहित लड़े करने को बाहर ठीक अच्छे जाऊँ आगे माकड़ को खाइबी तापर राजकुमारी कथा या कही बड़ रागरे अजगर रांगा को गिणवाई माड़ी आसला रांगा तो आगु ए प्रस्तुत होगी तेणु सीए अजगर को आहरी जोर रगे बुले बुले हालिया करदे ए गचर से गच ए डाड़ू से डाल एमती डेईवाक लगला अजगर मध्य खूब रागरे भयंकर रूप धरी रांगा को खावाई गोड़ेला एणे कौटी थिला बणी माकड़ कौन करुच्ची उड़ी उड़ी आसी पहुँचला बेलू ए दृश्य देखी से काबा हो गला भाविला आज अजगर कबल रांगा को मुक्ति ना एपटे रांगा भी ए गचर से गच ए डाड़ू से डाल एमती डिया मारी मारी किसी समय पर निजे दुर्बल हो जा भाई अनुभव कला एत बड़ विराट अजगर आगरे सामान्य गोटाए माकड़ शक्ति केपटे रांगा को बचाई अन्न माकड़ मैंने जिते सब टेका पथर पड़ा ताकू गोटे के अजगर उपरको फोपाड़े मात्र से सब टेका पथर अजगर देहरे बाली पड़ा भाई आसी पड़ू थाए बणी देखला रांगा धीरे धीरे दुर्बल होगा लगला किसी गोटे उपाय नक रांगा मरवा आज सुनिश्चित एणे अजगर तार सबु बल खटे रांगा को खावाक चेष्टा करूथाए कौन करिबो बोली बणी चारिआड़े आखि बुलेला बेलू देखला किछि दूर आसुची हाथीटाए
ତେଣୁ ସିଏ ଚଟ୍ କିନା ରାଙ୍ଗା ପାଖକୁ ଆସି ତା କାନ ପାଖରେ ଚୁପ୍ ଚୁପ୍ କି କହିଲା, ଦେଖ ରାଙ୍ଗା, ତୁ ଏମିତି ଯେତେ ଡିଆଁ ଡିଇଁ କଲେ ମଧ୍ୟ ତୁ ନିଜେ ମରିବୁ ସିନା, କିନ୍ତୁ ଅଜଗରକୁ ମାରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ରାଙ୍ଗା କହିଲା, ମୁଁ ବି ସେଇ କଥା ମନେ ମନେ ଭାବୁଛି, କିନ୍ତୁ ଉପାୟ ବା କ'ଣ? ମୁଁ ଯଦି ଚୁପ୍ ହେଇକି ବସିଯିବି ତାହେଲେ ଅଜଗର ରାଜକୁମାରୀଙ୍କୁ ଖାଇଯିବ, ଆଉ ମୁଁ ଏକଥା କେବେ ବି ହେବାକୁ ଦେବିନି। ବଣି କହିଲା, ଟିକିଏ ଦୂରକୁ ଦେଖ, ଗୋଟିଏ ହାତୀ ଆସୁଛି, ତୁ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ବୁଦ୍ଧି ଖଟେଇ ସେ ହାତୀକୁ ଆଣି ଅଜଗର ଉପରେ ଚଢ଼େଇ ଦେଇପାରିବୁ ତାହେଲେ ଯାଇକି ଅଜଗର ମରିବ। ରାଙ୍ଗା କହିଲା, ହାତୀ ଅଜଗର ସହିତ ବିନା କାରଣରେ କାହିଁକି ଲଢ଼େଇ କରିବ? ବଣି କହିଲା, ସେ କଥା ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ମୁଁ ତତେ ଉପାୟ କହିଦେଲି, ହାତୀ କେମିତି ଆସିବ, କାହିଁକି ଆସି ଅଜଗର ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରିବ, ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ତୋର। ରାଙ୍ଗା ଦେଖିଲା, ସତକୁ ସତ ମୁଁ ଆଉ ଏକୁଟିଆ ଅଜଗର ସହିତ ବେଶୀ ସମୟ ଲଢ଼େଇ କରିପାରିବିନି, ତେଣୁ ବଣି କହିବା ଅନୁସାରେ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ହାତୀକୁ ଆଣି ଅଜଗର ଉପରେ ଚଢ଼େଇ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଣେ ଅଜଗର ବି ଚୁପ୍ ହେଇକି ବସୁନଥାଏ, ସିଏ ତାର ସବୁ ବଳ ଖଟେଇ ରାଙ୍ଗା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥାଏ। ହଠାତ୍ ରାଙ୍ଗା ଦେଖିଲା, ଯେଉଁ ଦିଗରୁ ହାତୀ ଆସୁଛି ସେଇ ଦିଗରେ ଗୋଟାଏ ଆମ୍ବ ଗଛର ଡାଳରେ ଗୋଟାଏ ବିରାଟ ବଡ଼ ବିରୁଡ଼ି ବସା କରିଛି। ରାଙ୍ଗା ଆଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ଅପେକ୍ଷା ନକରି ଗୋଟେ ଟେକା ଗୋଟେଇ ସେଇ ବିରୁଡ଼ି ବସାକୁ ଫୋପାଡ଼ିଦେଲା। ବିରୁଡ଼ି ବସାରେ ଟେକା ବାଜିବାରୁ ବିରୁଡ଼ି ଯାକ ସବୁ ରାଗରେ ଉଡ଼ି ବୁଲିଲେ, କିଏ ତାଙ୍କ ବସାକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଦେଉଛି ବୋଲି। ଦେଖିଲା ହାତୀ ଆସୁଛି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଆଗ ପଛ ବିଚାର ନକରି ହାତୀର କାନରେ ନାକରେ ପଶି ତାକୁ କାମୁଡ଼ି ପକାଇଲେ। ରାଙ୍ଗା ବି ତୁରନ୍ତ ଗଛ ଡାଳରୁ ଡେଇଁ ଦୁଲ୍ କିନା ଯାଏ ହାତୀ ପିଠିରେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ବିରୁଡ଼ି କାମୁଡ଼ା ଖାଇ ହାତୀ ଘାଇଲା ହେଲା, କାନ ହଲେଇ ସିଏ ବିରୁଡ଼ିମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ଘଉଡ଼େଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ବିରୁଡ଼ିମାନେ ତାକୁ ସେତେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଅଧିକ କାମୁଡ଼ି ପକାଇଲେ। ତେଣୁ ଜୀବନ ବିକଳରେ ହାତୀ ଖାଲି ଅରଣା ମଇଁଷି ଭଳି ହେଇକି ଡିଆଁ ମାରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏଣେ ରାଙ୍ଗା ଆସି ହାତୀ ପିଠିରେ ବସିବା ଦେଖିକିରି ଅଜଗର ବି ରାଗରେ ହାତୀ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସିଲା ରାଙ୍ଗାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ। ରାଙ୍ଗା ମଧ୍ୟ ଚାଲାକ କରି ହାତୀର କାନକୁ ଧରି ମୋଡ଼ାମୋଡ଼ି କରି ତାକୁ ଅଜଗର ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇ ଦେଲା। ହାତୀ ଯେତେବେଳେ ଅଜଗର ତା ଆଡ଼କୁ ଆସୁଛି ବୋଲି ଦେଖିଲା, ସିଏ ଭାବିଲା ଅଜଗର ତାକୁ ମାରିବାକୁ ଆସୁଛି ବୋଲି। ଏଣେ ବିରୁଡ଼ିମାନଙ୍କ କାମୁଡ଼ା ସେପଟେ ରାଙ୍ଗା ପିଠି ଉପରେ ଡିଆଁ ଡେଇଁ କରୁଥାଏ, ଆଉ ଏପଟେ ସାମ୍ନାରେ ଅଜଗରକୁ ଦେଖି ହାତୀ ଆହୁରି ଜୋରରେ ରାଗିଗଲା। ତେଣୁ ସିଏ ଏବେ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ମାଡ଼ି ଚାଲିଲା ଅଜଗର ଆଡ଼କୁ, ଆଉ ଅଜଗର ରାଙ୍ଗା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ହାତୀ ତା ଖୋଜରେ ଅଜଗରକୁ ଦଳି ପକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ଏଥର ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଘାଇଲା ହେଲା ଅଜଗର, ତାର ବି ହାତୀ ଉପରେ ରାଗ ଆସିଲା, ତେଣୁ ସିଏ ବି ହାତୀକୁ କାମୁଡ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ବାସ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ହାତୀ ଆଉ ଅଜଗର ଭିତରେ ଲଢ଼େଇ। ସେପଟେ ରାଙ୍ଗା ହାତୀ ପିଠିରେ ବସି ବାରମ୍ବାର ତା ଉପରେ ଡିଆଁ ଡେଇଁ କରି ହାତୀକୁ ରଗେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ। ଏଣେ ବିରୁଡ଼ିମାନେ ମଧ୍ୟ ହାତୀକୁ କାମୁଡ଼ି ପକାଉଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ଏବେ ହାତୀ ରାଗରେ ଭୟଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଧରିଲା। ହାତୀ ତ ପାଗଳା ହେଲେ ସିଏ ଆଉ କାହାର ନୁହଁ, ତେଣୁ ସିଏ ଏବେ ସବୁ ବଳ ଖଟେଇ ଅଜଗରକୁ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ଅଜଗର ବି ରାଗରେ ଛାଡ଼ୁନଥାଏ, ସିଏ କ'ଣ କଲା ନା ହାତୀ ଦେହରେ ଗୁଡ଼େଇ ହେଇଯାଇ ତାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ଯେତେବେଳେ ହାତୀକୁ ଚୋଟ ମାରିବ ବୋଲି ଅଜଗର ତା ମୁହଁକୁ ହାତୀ ଆଡ଼କୁ ଆଣିଲା, ରାଙ୍ଗା ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ କରି ଖପ୍ କିନା ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା ଅଜଗରର ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ, ତେଣୁ ଅଜଗରର ମୁହଁ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ସେଇ ସୁଯୋଗରେ ହାତୀ ଅଜଗରର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଖୋଜ ପକାଇଦେଲା। ଆଉ କିଏ ଅଜଗର ହାତୀ ପାଖରୁ ବଞ୍ଚେ? ହାତୀ ଅଜଗରର ମୁଣ୍ଡକୁ ଦଳି ଚକଟି ଖିନ୍ଭିନ୍ କରି ପକାଇଲା। ସାପର ସବୁ ବଳ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଥାଏ, ତେଣୁ ହାତୀ ଅଜଗରର ମୁଣ୍ଡଟିକୁ କୁଦି ଦଳିଦେବାରୁ ସେଇଠି ଅଜଗରଟି ଛଟପଟ ହେଇକି ମଲା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜକୁମାରୀ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ସେଠି ଠିଆ ହେଇ ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ସିଏ ତ ଆସିଥିଲେ ଜଙ୍ଗଲ ଭ୍ରମଣ କରି ମଜା ଲୁଟିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ଭିତରେ ଏତେ ସବୁ ଅଘଟଣ ଘଟିଗଲା ଯେ ସରଳ କୋମଳମାନା ରାଜକୁମାରୀ ଏ ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖି ସେଇଠି ଚେତା ବୁଡ଼େଇ ହେଇ ଦୁଲ୍ କିନା ପଡ଼ିଲେ।